बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर पूर्णिया में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जोरों पर है। इस क्रम में आज सोमवार को पूर्णिया सदर एवं कस्बा विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से सदर विधायक विजय खेमका, तो वहीं महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस नेत्री इंदु सिन्हा ने नामांकन किया। वहीं दूसरी ओर कस्बा विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार अफ्फाक आलम, लोजपा प्रत्याशी प्रदीप दास और राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी से प्रधान कुमार ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी से मनोज ठाकुर, जनता पार्टी से मिहिर आनंद सहित कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपने चुनावी मुद्दों को भी आम आवाम के सामने रखते हुए अपनी दावेदारी को मजबूत बताया। भगवती का आशीर्वाद लेकर के आज मैं नामांकन मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज मैंने करने का काम किया है। पूर्णिया की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद 2015 में भी दिया था और चुनाव से पूर्व ही आज नामांकन में जो यहाँ की महान जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, सारे लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि 2015 में जो 92,000 वोट से पूर्णिया में कमल खिला था, इस बार पूर्णिया की जनता खुद अपने रिकॉर्ड को खुद ब्रेक करेगी। जनता ने ये मन बना लिया है, हम विकास के साथ पूर्णिया में चुनाव में उतरे हैं। पूरे बिहार में विकास नज़र आता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर पूर्णिया के साथ हम पुनः पूर्णिया में कमल खिलाने का काम करेंगे और पिछले रिकॉर्ड को पूर्णिया की जनता पुनः खुद तोड़ने का काम करेगी। तीसरे फेज में हमारे यहाँ चुनाव है, 7 तारीख को पोल है और आपके माध्यम से हम तमाम मतदाता से ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के लिए आप सब आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। पूर्णिया का विकास और मैं पूर्णिया जनता की आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे इस बार मौका मिल रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम चाहते हैं कि मेरा पूर्णिया सुंदर बने, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी की स्थिति जो जिस तरह से बनी हुई है, लोग नर्क की स्थिति में लोग यहाँ रह रहे हैं, नाला का बहाव है, ना क्या कहते हैं लोगों को सही तरीके से कूड़ेदान मिला है, नगर निगम का बहुत ही स्थिति खराब है और ख़ास करके महिला सुरक्षा की जो ये बात है, ये पूर्णिया में अभी महिला सुरक्षित नहीं है और मैं महिला होने के नाते मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगी महिलाओं को सुरक्षा के लिए। जो आज हमको विधानसभा घेरना होगा या दिल्ली घेरना होगा, लेकिन यहाँ की जनता के लिए मैं दिन रात एक कर दूँगी जो कैसे यहाँ मेरा बिल्कुल मुद्दा साफ है। बिहार के विकास के लिए, कस्बा के सर्वांगीण विकास के लिए, कस्बा के विकास की जो धीमी रफ्तार हो गई है, कस्बा का सर्वांगीण विकास हो और बिहार में नई सरकार में और बिहार में सरकार बने, लोजपा उसमें अहम घटक दल के रूप में भागीदारी निभाएगी और सुरक्षा और सम्मान कस्बा के वासियों का सम्मान हो, सुरक्षा हो, इस मुद्दे को लेकर के विकास। दो सेट में नामांकन हुआ, कल दो सेट में करूंगा। पूर्व विधायक कस्बा लोजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास। देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं मुद्दा पर 20 वर्षों से लड़ते आया हूं। बिजली की लड़ाई हो, नगर निगम की समस्या की लड़ाई हो, वृद्धा पेंशन की लड़ाई हो, राशन कार्ड पर लड़ाई हो, विद्यार्थी के लिए लड़ाई हो, छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई हो, सड़क के लिए लड़ाई हो, मैं लड़ता आया हूँ। तो समस्या का मैं अध्ययन कर चुका हूँ। इसमें मैं विधानसभा को एक ऐसा विधानसभा चाहता हूँ जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आज़ादी से पहले वह राज क्या करता था, आज़ादी के बाद तक राज क्या करता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे नेता, ऐसे हमारे लोग जो जात पात में बांटते हैं,
मैं उसी के लिए मैं उनका आवाज़ हूँ। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता हूँ, उससे ऊँचा उठ करके मैं विधानसभा में कुछ नया करना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ गले से गले मिल करके इस विधानसभा को एक सुंदर समाज का निर्माण करना चाहता हूँ।